दोस्तों, मैं हूं अमित, फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, व्हाट्सएप एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में आ चुका है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब तो सवाल उठा दिया है व्हाट्सएप के ऊपर, और अब पूछा जा रहा है कि भाई ये प्राइवेसी चेंजेस क्यों लेके आ रहे हो आप लोग, प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा क्या है। और उसी के साथ साथ मिलियंस ऑफ पीपल आर स्विचिंग टू टेलीग्राम एंड सिग्नल। तो मुझे लगा कि भाई कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूं, क्योंकि आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप भी स्विच कर रहे हो व्हाट्सएप से टेलीग्राम के ऊपर या फिर सिग्नल के ऊपर, तो नीचे कॉमेंट कर दीजिए और इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं। पहली बात तो यह है कि दोस्तों, हम लोग रेगुलरली सुनते हैं कि टेलीग्राम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जब आप स्विच कर रहे हो व्हाट्सएप में से, और मेरा मानना यह है कि भाई इट्स नॉट द बेस्ट, इट माइट बी वन ऑफ द ओनली ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन अगर व्हाट्सएप खराब है तो टेलीग्राम भी कोई दूध का धुला नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट दैट इट वुड बी ऑफरिंग यू द बेस्ट फीचर्स, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मुझे लगता है टेलीग्राम को लेकर, वो ये है कि पायरेसी, मतलब टेलीग्राम के अंदर इतना भरा हुआ है पायरेसी कंटेंट, या फिर पायरेटेड कंटेंट, या फिर आप बोल सकते हो इलीगल इन्फॉर्मेशन, कि पूछो मत। मतलब टेलीग्राम मेरे हिसाब से फेमस यूथ के बीच में इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर आपको इलीगल मूवीज, म्यूजिक, सॉन्ग्स, पता नहीं क्या क्या सब कुछ मिल जाता है। जो मैं हमेशा ट्वीट करके बोलता हूँ कि भाई इलीगल कंटेंट, इलीगल मूवीज कहीं पर भी मत देखो। अगर हो सकता है तो आप ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म, आजकल तो बहुत सस्ते सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, आप उनके थ्रू देख लो, लेकिन इलीगल मत देखो। बट देन होता क्या है ना कि भाई मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कुछ इलीगल मूवीज या कंटेंट के बारे में, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इलीगल होती हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और जो ग्रुप्स है उसके ऊपर ये शेयर किया जाता है, और आपको पता नहीं होगा, आप अननोइंगली मतलब उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लोगे, और उसके बाद कभी कभार आप सोचो कि कोई अथॉरिटीज की नज़र उस ग्रुप के ऊपर पड़ जाती है तो क्या होगा। नॉट जस्ट द एडमिन, लेकिन सारे मेंबर्स भी पकड़े जाएंगे। अब आप सोचो कि भाई मेंबर्स को क्यों पकड़ा जा रहा है, भाई मैंने तो कुछ किया नहीं। आप ये सोचो कि आपको लगता है कि इंडिया में जो पुलिस है या फिर आईटी डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ सोचेगी कि भाई हमें एडमिन नहीं मिल रहा है तो हम सिर्फ उसे ढूंढेंगे। भाई जब सामने मेंबर्स है, उनका डीपी लगा हुआ है, फोन नंबर सामने मिल रहा है, तो वाई नॉट जस्ट कॉन्टैक्ट ऑल ऑफ दिस मेंबर्स और उनको पकड़ के पूछते हैं कि भाई तुम्हारे इस ग्रुप का एडमिन कौन है। मतलब पूछने में मतलब कहा जाता है, एंड व्हेन दीस थिंग्स हैपन इट माइट गेट वेरी बैड। तो मैं तो पहली बात तो ये रिकमेंड करूंगा कि भाई पायरेटेड कंटेंट ही मत डाउनलोड करो। सेकंड थिंग कि ऐसे ग्रुप्स भी ज्वाइन मत करो, लेकिन टेलीग्राम इज द होम ऑफ ऑल द पायरेटेड कंटेंट, सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चैट्स। चैट्स के लिए तो आप लोग व्हाट्सएप को छोड़ रहे हो। हाँ दोस्तों, हमने सुना था ये चैट्स एनक्रिप्टेड है, नहीं है, ये सारा कन्फ्यूजन चल रहा था। फिर सबको लगा कि भाई हमें व्हाट्सएप पे भरोसा ही नहीं है, अब तो हम व्हाट्सएप छोड़ ही देते हैं, और काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप से स्विच करना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है कि टेलीग्राम के अंदर भी एनक्रिप्टेड नहीं होता इन्फॉर्मेशन? हाँ दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज भेजते हो टेलीग्राम में, तो कोई इन्फॉर्मेशन ये एनक्रिप्टेड नहीं होता है। हाँ ये होता है, लेकिन क्लाइंट सर्वर एनक्रिप्शन, मतलब आपके फ़ोन से डेटा जाएगा उनके सर्वर में एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, वहाँ पर वो डिक्रिप्ट होगा, वहीं पर स्टोर होगा, वापस से वो एनक्रिप्ट होगा और सामने अपने फ्रेंड को मैसेज भेज दिया जाएगा। और जब वो कंटेंट उनके सर्वर में है, ऑब्वियसली टेलीग्राम के पास मतलब क्या लाखों लोग तो नहीं बैठे हैं कि भाई अमित ने क्या भेजा अपने फ्रेंड्स को वो पढ़ने के लिए, लेकिन दे हैव गॉट कंप्यूटर्स, AI सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, जिसके बेसिस पे ये सारे डेटा को माइन किया जाता है। मैं सिर्फ टेलीग्राम की नहीं, व्हाट्सएप या सारे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं बैठा रहता है कि भाई हम बैठ के इनका डेटा को मॉनिटर करते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, वो सारा डेटा को ट्रैक करते हैं कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो उसी रिलेटेड की एड्स भी मुझे दिखानी पड़े, और इसी के लिए तो वो अलग अलग पैरामीटर्स लेते हैं कि भाई ये हैदराबाद से बंदा है, इसे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, या फिर ये स्टॉक मार्केट की बातें करता है, ट्रैवल रिलेटेड बातें करता है, इसके पास आईफोन है, तो ये कौन से नेटवर्क यूज करता है, ये सब बेसिकली जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उसी के बेसिस पे आपको रिकमेंडेड एड्स आती हैं। अब टेलीग्राम के अंदर एक अच्छा फीचर है, वो है सीक्रेट चैट, जहां पर आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन मिलता है। मतलब आप अगर किसी को मैसेज भेजते हो तो उसके अंदर आपको एक टाइम बाउंड मैसेज भेजने का ऑप्शन मिलता है, और क्योंकि ये सीक्रेट चैट है, उस टाइम के अंदर वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। मतलब आपने अगर वो मैसेज किसी को भेजा कि भाई मुझे 10 मिनट के अंदर मैसेज डिलीट कर देना है, तो वो 10 मिनट के अंदर डिलीट हो जाएगा और वो डेटा टेलीग्राम के सर्वर में नहीं जाएगा। मतलब इसकी बात यह है कि भाई टेलीग्राम के पास इसकी कोई कॉपी नहीं होगी, और इस फीचर को ये बुलाते हैं सीक्रेट चैट्स, जो एक्चुअली एनक्रिप्टेड है। लेकिन जो रेगुलर मैसेजेस है, ये इतने ही एनक्रिप्टेड है जितने आप सोचते हो कि व्हाट्सएप के भी है। मतलब इसमें अगेन एनक्रिप्शन के अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेकिन आप इस गलत फहमी में मत रहो कि भाई व्हाट्सएप
बिल्कुल खराब है, टेलीग्राम बहुत ही अच्छा है। अब ये मत सोचो कि भाई मुझे व्हाट्सएप वालों ने बोला है कि अच्छा बोलो उनके बारे में, बात यह है कि मतलब वो तो सबसे बड़े पापी है, मतलब पॉइंट ये है कि भाई टेलीग्राम भी कोई दूध का दुला नहीं है। और आपको अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन चाहिए एज ऑफ नाउ वो तो है सिग्नल, क्योंकि सिग्नल में आपको कोई तरह का मतलब कोई टेंशन नहीं है एज ऑफ नाउ। मैं ये नहीं कहता कि सिग्नल भी 100% प्रूफ है, मतलब गारंटी है कि भाई वो भी आपके प्राइवेसी को कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप से सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न के लिए मूव कर रहे हो तो जाइए सिग्नल की तरफ, लेकिन टेलीग्राम की तरफ नहीं। और यहां पर सिग्नल की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये आपके कोई भी डेटा को आपके मतलब यूजर से लिंक नहीं करता है एक्सेप्ट आपके मोबाइल नंबर, क्योंकि कहीं तो कहीं उनको लिंक करना है भाई कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आपके सिर्फ मोबाइल नंबर के साथ वो लिंक किया जाएगा और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम की, तो दोनों के अंदर आपको एड्स अभी तो नहीं मिलती हैं, लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म आगे जाके मतलब अभी भी पैसा तो कमाते ही होंगे मतलब अलग अलग तरीकों से। अल्टीमेटली मेरी बात तो यह है कि दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों ये बिजनेस है, इनफैक्ट सिग्नल भी तो बिजनेस है, एज ऑफ नो उनको डोनेशंस मिल रहे हैं और बिलियनियर्स की तरफ से डोनेशंस मिल रहे हैं और अल्टीमेटली इनको पैसा कमाना है। और ये पैसे कहाँ से कमाते हैं? एड्स के थ्रू। एड्स कैसे दिखाई जाती हैं? डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के थ्रू, जैसे कि लोकेशन, आईपी एड्रेस, यूजर डिटेल्स, और उसी के बेसिस के ऊपर एड्स दिखाई जाती हैं और एडवर्टाइजर्स को ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई हमारे पास ये डेटा है और आपका जो प्रोडक्ट है इन लोगों के लिए रिलीवेंट है, तो आपकी एड हम इन्हीं लोगों को दिखाएंगे और उसी के बेसिस पे उनको बेटर कन्वर्जन्स मिलेंगे, जिसके बेसिस पे वो वापस से उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एड के ऊपर खर्चा करेंगे क्योंकि उनको वहीं पर बिजनेस मिल रहा है। ये बहुत ही सिंपल पॉलिसी है। अब आपके सामने मैं यहाँ पर एक चार्ट दिखा देता हूँ जहां पर आप देख सकते हो कि सिग्नल के पास कोई डेटा लिंक नहीं है आपको लेकर, आई मैसेज में कुछ चीजें लिंक्ड है, अगेन ये फिर भी लिमिटेड है क्योंकि ये सिर्फ एप्पल यूजर्स के लिए काम करता है आई मैसेज, लेकिन अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो, फिर अगर हम बात करते हैं टेलीग्राम की, तो आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट सब कुछ उनके पास चला जाता है। फेसबुक मैसेंजर यूज करते हो फिर तो हाई तो बस सब कुछ चलाएगी आपके पास से। तो बेसिकली बात तो यह है कि आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। इन शॉर्ट मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप सिग्नल यूज कीजिए, हालांकि अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे प्राइवेसी के बारे में थोड़ा बहुत सोचना है, के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, देन यू कैन स्टिल गो टू टेलीग्राम। और अगर आप टेलीग्राम जा ही रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है ये कि टेलीग्राम सपोर्ट करता है मल्टी डिवाइस, मतलब मेरे दोनों फोन के अंदर फिलहाल के लिए टेलीग्राम इंस्टॉल्ड है, वहीं पर व्हाट्सएप और सिग्नल सिंगल डिवाइस में ही काम करता है, हालांकि हाँ उनका वेब वर्जन है, बट देन यू डोंट गेट एक्चुअल मल्टी डिवाइस सपोर्ट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और आप लोग बताइए कि क्या आप सोचते हो कि भाई मैं अब व्हाट्सएप से सिग्नल की तरफ जाऊंगा या फिर टेलीग्राम की तरफ जाऊंगा, आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, आप क्या सोचते हो। और ये वीडियो आप अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको भी नॉलेज मिले, प्लस उसी के साथ साथ ग्रुप के एडमिन्स भी डिसाइड करेंगे भाई हम चलो सब के सब मिलकर किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करते हैं। दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। मैं हूं अमित, मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।